आज मैं आपके पाठ्यक्रम के गद्य खंड का दूसरा पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ की लेखिका बचेत्री पाल हैं। इस पाठ में लेखिका ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचकारी पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण दिया है। इस यात्रा वर्णन की भाषा आत्मकथात्मक एवं शैली ओजस्वी है। इन्होंने अपनी रचना में तत्सम और देशज शब्दों के साथ अंग्रेजी शब्दों का बखूबी प्रयोग किया है, जिससे भाषा और भी प्रभावशाली हो गई है। इस यात्रा वृत्तांत में ओज, साहस, वीरता और दृढ़ निश्चयता के गुणों के दर्शन होते हैं। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर एवं तिरंगा लहराने के पल पल के ब्यौरे का बयान पाठक को इस प्रकार देता है, जिसे पढ़ते हैं हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उसके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा पहुंचा है। बचेंद्री पाल एवरेस्ट के शिखर यात्रा पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इस पाठ में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का रोमांचकारी वर्णन किया है। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा अग्रिम दल एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों से में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा प्रतीत हो रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है, क्योंकि हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या उससे भी लंबा हो सकता है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। बेस कैंप यानी जहाँ से यात्रा शुरू की जाए। अग्रिम दल पहले पहुँचने वाला समूह। दुर्गम जहाँ कठिनाई से जाया जा सके। हिमपात यानी कि बर्फ का गिरना। शिखर मने चोटी, ध्वज यानी झंडा, विचित्र मने अनोखा, कठिनतम मने सबसे ज़्यादा कठिन, चुनौती यानी संकट, सामना करना मने मुकाबला करना, हिमस्खलन बर्फ का गिरना, दुखद यानी दुखदाई। लेखिका यहाँ यह कहना चाहती हैं कि एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि एक वह हमारे बेस कैंप पहुँचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। लेखिका ने नमचे बाजार पहुंचकर एवरेस्ट को निहारा। इस स्थान को सागर माथा भी कहते हैं। अधिकतर शेरपा यहीं के रहने वाले होते हैं। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा सा भारी बर्फ का फूल देखा। पता चला कि यह जब पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, तो बर्फ के उड़ने से यह फूल सा बन जाता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है। शिखर पर चढ़ने वाले की हर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेखिका को डर लगा, किंतु फिर भी वह इस चुनौती का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खोम्बो हिमपात पर जोड़ने वाले अभियान दल के रास्ते के बाद के बाई तरफ सीधी पहाड़ी से
धसकने से लोहसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक गई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी, 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुरलर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस से लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल के कैंप एक 6,000 मीटर की ऊंचाई पर जो था, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। उन्होंने यह भी इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने के लिए काम दोबारा करना पड़ सकता है। यहाँ पे अवसाद का अर्थ निराशा, स्वाभाविक सहज माने स्वाभाविक, अवगत यानी परिचित कराना, चिन्हित यानी निशान किया हुआ, जायजा लेना मतलब अनुमान लगाना, अनियमित अनियमित बिना नियम के, व्यर्थ यानी बेकार, भौचक्का यानी हैरान, अव्यवस्थित या बिना की अर्थात बिना व्यवस्था के, तत्काल यानी उसी समय। यहाँ लेखिका यह कहना चाहती हैं कि 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुँचा तो उन्हें बर्फ के खिसकने से हुई शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिला। हिमपात के समय बर्फ के खंड बेतरतीब गिरते रहते हैं और ग्लेशियर के बहने से बड़ी बड़ी चट्टानें फौरन गिर जाती हैं। ऐसे ही में धरती का पर दरारें पड़ जाने से खतरनाक स्थिति बन जाती है। दूसरे दिन वे अपना अधिकांश सामान हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए और डॉक्टर मीनू मेहता ने से उन्होंने अल्मोनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना, रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सी बांधना और आदि सीखा। तीसरे दिन रीता गोम्बू के साथ लेखिका ने हिमपात के कैंप तक सामान लेकर चढ़ाई की। बेस कैंप को सूचना देने के लिए इसके लिए इनके पास वॉकी टॉकी थी, जिससे इन्होंने कर्नल खुरलर को अपने कैंप पर पहुंचने की सूचना दी। अंगदोरजी लोपसांग और गगन बिस्सा 29 अप्रैल को साउथ कोल पहुंच गए, जहां उन्होंने 7,900 मीटर पर चौथा कैंप लगाया। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत पर अन्य श्रेणियाँ देखी, अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहसे और नुस्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह के बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही है। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा
भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग एक दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। इसमें लेखिका ये कहती हैं कि यह अभियान बड़ा ही खतरनाक था और इसमें सभी व्यवस्थाएं तत्काल समाप्त हो सकती हैं, क्योंकि प्राकृतिक विपदा आपदा कभी भी आ सकती है। ग्लेशियर खिसक सकते हैं, पर चट्टाने खिसक सकती हैं, ग्लेशियर के कारण जमीन पर दरारें पड़ सकती हैं, इस और कभी किसी भी समय किसी की मृत्यु हो सकती है। यह ख्याल मन में आते ही बड़ा ही डरावना प्रतीत हुआ। फिर भी उन्होंने वे हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपने अभियान की ओर अग्रसर होती चली।